नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर है जबलपुर से, जहां 17 वर्षीय नाबालिग युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। शादी समारोह में शामिल होने आए युवक पर दो युवकों ने किया चाकू से हमला। युवक का नाम आकाश अहिरवार है। जबलपुर के दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक मौके से फरार हो गया। पढ़ाई करता था नाबालिग युवक और बताया जा रहा है कि जबलपुर के धूमा थाने का ये मामला है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। ग्राम धूमा थाना धूमा की घटना है, जो कि कल शादी का कार्यक्रम था, उसमें सभी लोग आए हुए थे कमला गार्डन, तो नाच गाने के साथ सब अंदर हुए हैं ग्राउंड में। उसके बाद में जो घटना है वो जबलपुर से आए हुए एक लड़के के द्वारा चाकू के द्वारा हमला किया गया है और वो नशे में भी था। और इसके पहले कोई वाद विवाद नहीं है किसी का, तो पता नहीं कहां से कैसी घटना को अंजाम देकर वहां से आरोपी फरार है और उसके साथ वाला एक लड़का जो कि अभी पुलिस थाना कस्टडी में है। और हम लोग बच्चे को लेकर जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी है और यहां पहुंचने के उपरांत बच्चे की डेथ हो गई है और बच्चे की डेड बॉडी मर्चुरी में रखी हुई है। अभी बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम आकाश कुमार अहिरवार, पिता जय कुमार अहिरवार। उम्र कितनी? उम्र 17 साल लगभग। क्या करता? वो तो बनी मजदूरी भी करता था, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था 10th क्लास में। मेरा सब नाम मोतीलाल अहिरवार, धूमा से।